गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और अभी लगभग रेडी हो रहे हैं, तो मास भी तैयार हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से फिर नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग स्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोग लगभग 4 घंटा सोए हैं, तो अभी बज रहा है 1 और अब हम लोग का नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो अभी लगभग सब तैयार हो चुका है, मिसबा तैयार है। और मिसबा, तुम्हारे अशरफ मम्मा तुमको याद कर रहे थे, ठीक है? बाहर है, बोले बुला रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, फिर वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और बस यही हम लोग का वेडिंग हो गया, ठीक है? यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है, अभी काफ़ी भीड़ है। अभी पहले बच्चे लोग का राउंड चल रहा है और अब उसके बाद फिर चलेगा बड़े लोग का। तो यहाँ तैयार हो रहा है स्पेशल अलबैक चिकन, जो कि एकदम क्रंची है, लग रहा है और बनाने वाले बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। ये मेरे मामा लगते हैं, वस्पी मामा। और देखिए काफ़ी, मतलब आप देख रहे हैं बनाने के तरीके से लग रहा है कि फुल एक्सपीरियंस है इनके पास। और थोड़ा बताइए कैसे, हम लोग भी लास्ट टाइम बनाए थे लेकिन ख़राब हो गया था, तो कुछ बता सकते हैं? हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं इरशाद भाई के दुकान पे, शॉप पे, उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जब बहुत दिन बाद आते हैं गाँव वगैरह तो लोग से तो मुलाकात वगैरह तो कर ही लेनी चाहिए। तो बहुत दिन पहले ये मतलब मधेपुरा वगैरह में रहा करते थे, तो चलो तो उनसे पहले मुलाकात कर लेते हैं। उनका जो शॉप है वो भारत एल्युमिनियम एंड स्टील फैब्रिकेशन है, मतलब जो भी स्टील वगैरह होता है, जो भी मतलब स्टील का जो वो सीरी वगैरह में जो आप लोगों ने देखा होगा, वो वही उन्हीं का उसी चीज़ का दुकान है, ठीक है, शॉप है। तो आप लोग को जहाँ भी लखनिया में या कैना में या बेगूसराय में कहीं भी लगाना हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, क्या हाल है? तब कैसा चल रहा है आपका? तो क्या क्या वर्क हो रहा है यहाँ? अच्छा, और ये गेट वगैरह भी दिख रहे हैं। अच्छा, और क्या हाल है? ठीक है ना, शबा पहचाने इनको? ये वही जो चिकन तोड़ फोड़ बनाते हैं मेरे भाई साहब, और बहुत ही ख़तरनाक। और मुझे अभी भी याद आ रही है इनकी चिकन, इनको देखकर अभी चिकन मुझे याद आ गया। ठीक है, चलेगा। हाँ कलम है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, शादी के बाद अब मैं जलकौड़ा आ चुका हूँ, जो कि मेरे नाना का घर है। तो अभी जो मैं आया हुआ हूँ, ये जो घर देख रहे हैं आप, आपको यकीन नहीं होगा, ये 1936 का है मेरे नाना घर, जो है मतलब नाना के अब्बू का है शायद, ठीक है, मतलब उनके ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ये जो घर है 1936 का है, तो अभी मैं आप लोग को अंदर से दिखाऊंगा। ये ऊपर से देखो, ये ऊपर से जो है, इसमें जो है, ये जो है, ये शायद लकड़ी है, ठीक है, ऊपर जो लकड़ी है। और ये जो डिज़ाइन डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये पुराना डिज़ाइन, देखो उस टाइम का जो डिज़ाइन था, बताओ कितना खूबसूरत लगता है। आजकल इस टाइप का डिज़ाइन वगैरह नहीं चल रहा है। और इसका मैं आपको पिलर दिखाऊंगा, कितना मोटा पिलर है। ये देखो दो पिलर है, और इस साइड भी रूम है और इस साइड भी रूम है। तो इसमें मेरे नाना वगैरह रहा करते थे। तो मैं इसको आपको दूर से दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ठीक है, और ये हमारा रेड फोर्ट, जो कि दूर से लग रहा है सच में रेड फोर्ट ही जैसा लग रहा है। और आपकी इसकी जो खूबसूरती है, ये दो नारियल का पेड़, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अभी जो है बहुत दिन से बारिश जो हो रही है, और उसके वजह से भी बहुत दिन से पेंट नहीं हुआ, तो नहीं तो यहाँ पे रेड कलर हमेशा होता है। और इस रेड कलर एक तरह से इसे लाल किला ही कहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, देख लो यार, बहुत पुराना है ये पेड़, ठीक है। और आपको मैं इसका जो डेट है, जब बना था तो उस टाइम भी इसमें डेट मेंशन किया गया था, तो मैं आपको वहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये है 1936 MD इलियास, मतलब कि 1936, मतलब आप सोच रहे हो यार, इंडिपेंडेंस से पहले ये घर उस, और वो भी इस गांव में, देख रहे हो। और यहाँ से इसका पिलर दिख रहा है, ये पिलर देख के मुझे पता है क्या याद आ रहा है,
अरे मैं भूल गया यार, क्या याद आ रहा है। और यहाँ पे कुछ बकरी वगैरह है, और ये भी जो देख रहे हैं ये भी बहुत पुराना है, मतलब दादा लोग मेरे नाना और दादा लोग के टाइम का है। और ये मेरे नाना का रूम जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, और ये अंदर जाने का रास्ता, तो मैं अभी नहीं जाऊँगा अंदर, ठीक है। और गांव भी काफ़ी डेवलप गांव है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब जो दिख रहा है ना, यहाँ अब बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आएगा। और आगे हॉस्पिटल है, उधर हॉस्पिटल भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट बॉय हमाद जो कि ब्लॉग में हमेशा आपको दिखते हैं, वो उसका घर यहाँ पे तैयार हो रहा है, काफ़ी तैयार हो चुका है, और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे देखकर हमको, ठीक है। तो ये जो घर है ये जलकौड़ा में पड़ता है, जलकौड़ा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो यहीं का है। तो ये हमारा पूरा गांव हुआ, और बहुत मज़ा आता है, अगर आप लोग भी आएंगे ना तो यहाँ बहुत मज़ा आएगा। हे गाइस, तो लगता है बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, और अभी बहुत ही आंधी आ रही है, बहुत कसकर, और क्या नज़ारा है यार, ओ माय गॉड यार, क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा है, लेकिन हवा में मस्ती आ रहा है यार मस्ती करने का मन कर रहा है, लेकिन हाँ बहुत हवा चल रही है, और काफ़ी मौसम मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर का सीन दिखा रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ख़तरनाक सीनरी है ऊपर का। ओ भाई क्या लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि अब तो बारिश होने वाली है, बहुत ख़तरनाक बारिश होने वाली है, और वहाँ पे जो वो बैठा हुआ है, वो माज बैठा हुआ है, जिसका पैर दिख रहा है आपको, वो माज है, और मेरे खालू जा रहे हैं सामने से। ओहो, और आज यहाँ बहुत बारिश हुई है, और बहुत बारिश होने के कारण पूरा जो ये मिल है, ये आटा चक्की का मिल है मामू का मेरे, तो इसमें बहुत बारिश पानी जम गया है, तो उसको निकालने का काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फर्ज है भाई, छोटा हूँ तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। ओ मज़ा आ रहा है काफ़ी भाई। और ये जो मिल है, इसमें आप आटा, गेहूँ जो भी है, और मिर्च वगैरह सब कुछ पिसवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पैसा लगेगा भाई, मेरा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मेरे सब्सक्राइबर हो तो फ्री में हो जाएगा, ना भाई। हे गाइस, तो अभी जलकौड़ा में बहुत जगह घूमना बाकी है, तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एंड करूँ, और दूसरा ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँ कल से, और आप लोग से मैं अलविदा ले रहा हूँ। और मैं ये कह रहा था कि क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेरा लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, अब जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक को जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और आप लोग से मैं मिलूँगा इंस्टाग्राम पर भी। तो टाटा, फिर मिलते हैं इस हवेली से, अलविदा।